हे गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का फिर एक बार हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस यकीन के साथ किसी काम को करो कि वह दिन जरूर आएगा जब आपका सपना सपना नहीं रहेगा बल्कि हकीकत बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं आज के बिजनेस के बारे में। दोस्तों, काजू एक ड्राई फ्रूट है जिसके अंदर विटामिन और प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं जिसकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए आज बहुत से लोग ड्राई फ्रूट का सेवन करते हैं और इनकी डिमांड बढ़ चुकी है और काजू का प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। और भारत में काजू के उत्पादन की बात करें तो भारत में काजू 10.27 लाख हेक्टर में उत्पन्न किया जाता है। कुल उत्पादन 7.25 लाख मेट्रिक टन है और आज उत्पादकता 706 किलो हेक्टर है। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व के कुल उत्पादन के 20% भारत से है। इसलिए इंडिया के अंदर काजू का बिजनेस अच्छे लेवल पर हो रहा है और इस बिजनेस के सफल होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी पर्सन यदि अपना छोटा सा बिजनेस करना चाहता है तो काजू होलसेल बिजनेस शुरू कर सकता है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे सभी वीडियो में पॉइंट्स और टिप्स होते हैं उसी प्रकार से हमारे इस वीडियो में भी पॉइंट्स और टिप्स हैं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट हमारा है काजू होलसेल बिजनेस क्या है। सेकेंड, काजू होलसेल बिजनेस के प्रकार। थर्ड, काजू का होलसेल बिजनेस के लिए ज़रूरी चीज़ें। फोर्थ, काजू का होलसेल बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट। फिफ्थ, काजू होलसेल के लिए जमीन। और सिक्स, काजू होलसेल बिजनेस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट। एंड सेवेंथ, काजू होलसेल बिजनेस के लिए प्रोडक्ट कहाँ से खरीदें। एंड एट, काजू होलसेल बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो भी लाने वाले हैं और न्यू एंड ट्रेंडिंग वीडियो। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, काजू होलसेल बिजनेस क्या है। जब किसी बड़ी सिटी के मार्केट से सस्ते रेट में ड्राई फ्रूट्स खरीदकर अपने एरिया के अंदर रिटेल को बेचना, उसे ही हम ड्राई फ्रूट्स होलसेल बिजनेस कहते हैं। इस बिजनेस के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है और थोड़े से पैसे के अंदर ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सेकेंड, काजू होलसेल बिजनेस के प्रकार। काजू का होलसेल बिजनेस को दो प्रकार से शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट, काजू पैकिंग बिजनेस एंड सेकेंड, काजू होलसेल बिजनेस। फर्स्ट है, इस बिजनेस के अंदर होलसेल रेट पर काजू खरीदकर उनको पैकिंग करके उनको बेचा जाता है। इस बिजनेस के अंदर अपने ब्रांड के नाम से भी बेच सकते हैं। एंड सेकेंड, इस बिजनेस के अंदर होलसेल मार्केट से काजू खरीदकर रिटेलर को बेच सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर सीधे कस्टमर को भी बेच सकते हैं और रिटेलर को भी बेच सकते हैं, दोनों को बेच सकते हैं होलसेलर आप बन जाते हैं तो। पॉइंट थर्ड, काजू का होलसेल बिजनेस के लिए ज़रूरी चीज़ें। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है लेकिन चीज़ की ज़रूरत बिजनेस के आकार पर निर्भर करती है क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस करते हैं तो ज़्यादा चीज़ जरूरत पड़ती है और यदि सीधा काजू होलसेल बिजनेस करते हैं तो कम चीज़ की जरूरत पड़ती है। और इन्वेस्टमेंट क्या करना होता है इसमें, शॉप एंड गोडाउन एंड जीएसटी नंबर। पॉइंट फोर, काजू के होलसेल बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो बिजनेस और ज़मीन पर निर्भर करती है क्योंकि यदि खुद की शॉप के अंदर बिजनेस करते हैं तो कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और यदि शॉप किराए पर लेते हैं या खरीदते हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और दूसरी बात करें बिजनेस की तो यदि काजू पैकिंग बॉक्स का बिजनेस करते हैं और ब्रांड के नाम से बेचते हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और यदि सीधा होलसेल का बिजनेस शुरू करते हैं तो कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। दोस्तों, काजू होलसेल बिजनेस के लिए ज़मीन, इसके अंदर ज़्यादा ज़मीन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसके अंदर एक शॉप बनानी पड़ती है और एक गोडाउन बनाना पड़ता है। इन दोनों चीज़ के लिए अलग अलग ज़मीन की जरूरत पड़ती है। जैसे काजू पैकिंग बिजनेस के लिए आपको 150 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट तक चाहिए और गोडाउन बनाने के लिए 200 स्क्वायर फीट से लेकर 300 स्क्वायर फीट चाहिए और टोटल स्क्वायर फीट की बात करें तो 300 स्क्वायर फीट से 500 स्क्वायर फीट आपको चाहिए। और काजू होलसेल बिजनेस के लिए आपको ज़मीन की बात करें तो 200 स्क्वायर फीट से लेकर 300 स्क्वायर फीट तक चाहिए। सिक्स, नेक्स्ट, काजू होलसेल बिजनेस के ज़रूरी डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और कुछ बिजनेस से संबंधित लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे में हमारा पर्सनल डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे में ID प्रूफ में आ जाते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, और एड्रेस प्रूफ में आ जाता है राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड बैंक अकाउंट विथ पासबुक आपको देना होगा, जिसमें फ़ोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। अदर डॉक्यूमेंट की बात करें तो बिजनेस डॉक्यूमेंट, जैसे बिजनेस रजिस्ट्रेशन, बिजनेस पैन कार्ड, GST नंबर। नेक्स्ट पॉइंट सेवेंथ, काजू होलसेल बिजनेस के लिए प्रोडक्ट कहाँ से खरीदें।
काजू का होलसेल बिजनेस करना है तो शॉप पर बहुत ज़्यादा सामान रखना जरूरी है। इसके लिए अपने आसपास किसी बड़ी सिटी सस्ते रेट पर सामान खरीद सकते हैं, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद जैसे बड़ी सिटी के अंदर बहुत सी मार्केट है जहाँ से आप काजू बहुत सस्ते रेट में खरीद सकते हैं। ऐसे लगभग सभी सिटी के अंदर ऐसे मार्केट मिल जाएगी, वहाँ से काजू खरीद सकते हैं। पॉइंट 8, काजू होलसेल बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर 20% से 30% से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, तो इस हिसाब से इस बिजनेस के अंदर अच्छे पैसे कमा सकते हैं यदि आपको अच्छी शॉप मिल जाए और अच्छे रेट पर सामान मिल जाए तो। दोस्तों, इस तरह से आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने बेरोजगार भाइयों के साथ जरूर शेयर करें, और साथ में अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप देखें और सीखें बिजनेस करना और सबसे आगे बढ़ें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम पूर्वक दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।